गाइस, मैं सुमन सिंह। मेरे चैनल होममेकर सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक है हमारा थोड़ा हटके है गाइस। नारियल सबको बहुत अच्छा लगता है और जब हम इसको किसी मिठाई में डालने के लिए हम लेके आते हैं या हम किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए हम इसे लेके आते हैं तो इसे छीलना बड़ा मुश्किल होता है। जो इसके अंदर की गरी होती है बहुत मुश्किल से निकलती है, कई बार तो हाथ में भी चोट लग जाती है। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, उससे बहुत आसानी से निकलेगा। मैं इस ट्रिक को आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए आज का वीडियो हम इसी पे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो इसके जो रेशे हैं इनको हम अलग कर लेंगे। अब देखिए गाइस, इसकी जो तीन ये आंखें हैं तो थोड़ा सा हम इसे ऐसे ऐसे यूं करके चुबो देंगे। कूल कर दीजिए आप इसे, जिससे हम इसका जो पानी होता है वो हम निकाल लेंगे। इसे हम एक ग्लास में इस तरह से छलनी रख करके हम इसका जो भी पानी, इसका ताजा पानी है इस नारियल का, इसको हम ले लेंगे। जिसमें कितना सारा पानी निकला है। नारियल का पानी होता है बहुत यूज़फुल होता है, बच्चों को देते हैं इसको या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। और वैसे भी इसे जैसे मास्क हम लगाते हैं, एलोवेरा जेल ले लीजिए आप या फिर जो फ्रेश एलोवेरा का पल्प है उसको एक चम्मच ले लीजिए और इसके पानी में एक दो चम्मच पानी में मिक्स करके फेस पे लगाने से एंटी एजिंग होता है, एंटी टेनिंग होता है और वैसे भी बहुत अच्छा हेल्दी है, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। मैं तो यूज़ करती हूँ इसको भी, आप भी करें। अब देखिए इस तरह से हमें इसको साफ़ कर लेना है और ये इसका हमने पूरा पानी निकाल दिया। अब हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। उससे होगा क्या, जो इसके अंदर की जो गरी है वो उड़ेगी, जब वो गर्म होगा तो उससे हमारा गोला बहुत आसानी से निकलेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। गाइस, जब हम इसे हाथों से तो नहीं इसको टर्न कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें इसको फंसा देते हैं। अब हम इसे धीरे धीरे इसे घुमाते हुए हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक इसको हमें गैस पे रखना है और इसको धीरे धीरे हमें रोस्ट करना है। गाइस, जैसा मत करना आप कि इसको गैस पे रख के भूल जाओ और ये जल जाए, ऐसा नहीं हो बिल्कुल भी। देखिए इसको हमने इसकी जो इसके रेशे थे इसीलिए हमने इसको हटा दिए जिससे ये जले नहीं। आप देखना कितनी आसानी से हमारे नारियल की गरी अलग हो जाएगी। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, लेकिन जब हमें नहीं पता होती है तो हमें इसमें से गरी निकालना बड़ा मुश्किल काम लगता है। गाइस, ये जब तक रोस्ट हो रहा है मैं आपके साथ एक अपनी ट्रिक जरूर शेयर करना चाहूँगी। जब हम सूखा नारियल लेके आते हैं तो उसको हम ग्रेट करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको यूज़ करने से पहले 1 से 2 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो दें या फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत सॉफ्ट हो जाएगा वो और फिर बहुत आसानी से ग्रेट हो जाएगा। अब देखिए ये चटकने लगा है इसका ये कवर, आप देखिए इसी तरह से जब ये चटकने लगे और करीब 3 मिनट तक हम इसे घुमाते हुए रोस्ट करेंगे। ये अब देखिए आप, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये अलग होने ही वाला है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मुझे 2.5 मिनट हुए हैं अभी, मैंने घड़ी देखी है उसने में ही ये चटकने लगा है। अब हम इसे एक इस पे ले लेंगे टॉवल पे, इसे बहुत गर्म है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अब आगे की प्रोसेस। अब ये गर्म है, इसे हम थोड़ा सा अभी ठंडा होने देते हैं। अब हम इसे तोड़ के देखते हैं, अगर ये अभी नहीं हो पाया होगा ना तो कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ा सा और गैस पे रख लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप ये ले लें, जो अदरक को हम कूटते हैं ना इसको, अब इसे हम धीरे धीरे इसको अलग करेंगे। आप देखिए यहाँ से कितनी आसानी से अलग हो गया, गर्म है अभी भी, इसमें से स्टीम निकल रही है। अगर आपको लगे कि ये नहीं निकल पा रहा है तो आप इसे छोड़ दें और इसको थोड़ा सा हम और गैस पे रख लेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। 0.5 मिनट के लिए हम थोड़ा सा और इसको रोस्ट कर लेते हैं। वैसे तो हम इस पर थोड़ी सी चोट करते तो निकल आता, लेकिन ये टूट सकता था नारियल। मैं ये चाह रही थी कि मैं आपको पूरा गोला बताऊं कि कैसे सजा गोला निकाल लेते हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा गैस पे थोड़ी देर के लिए और रख दे रहे हैं। अब आप देखिएगा ये अपने आप ही अलग हो जाएगा। अब देखिए गाइस, ये हो गया है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, हम बंद कर दे रहे हैं नहीं तो ये जल सकता है। अब हम इसे संभाल के पकड़ के इस कपड़े पे हम रख देंगे।
देखिए गाइज ये कितना क्रैक आ गए हैं इसमें, अब आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। अब हम इसे धीरे से ऐसे निकाल देंगे। ओहो अभी भी गर्म है ये। मुझे थोड़ा सा और रुकना चाहिए था, लेकिन ये निकल बड़ा आराम से रहा है। ओ निकल आया। मेरी तरह जल्दी नहीं करना, थोड़ा पेशेंस से इसको निकालना। और देखिए कितने अच्छे से निकला है, बिल्कुल पूरा गोला निकला है। जरा सा यहाँ पर चटक गया, लेकिन कितने आसानी से निकल गया है ना। हमने 2 से 3 मिनट हमने गैस के ऊपर रखा। और जैसे अगर आप वैसे निकालना चाहते हो, जैसे आपने बीच से उसको तोड़ दिया, 2 पार्ट में गोला डिवाइड हो गया, तो आप उसको भी गैस पर रख सकते हैं, उससे गरी आसानी से निकल आएगी। ये थोड़ा चटक गया ये, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा निकला है। कि एक ट्रिक और होती है निकालने की, जिसमें हम नारियल के पूरे गोले को, जैसे ये दूसरा गोला है, इसको आप इसको साफ़ करके फ्रिज में रख दीजिए, डीप फ्रिज कर दीजिए इसको, बिल्कुल जमा दीजिए 12 से 13 घंटे के लिए। तो उसके बाद जब आप इसको इस पर चोट करके इसको जब तोड़ेंगे, तो वो साथ ही इसका काला छिलका जो होता है नारियल का, जैसे ये वाला छिलका है, ये इसके साथ ही निकल जाएगा। वो भी बहुत अच्छी ट्रिक होती है, लेकिन थोड़ी टाइम टेकन ट्रिक है। तुरंत में अगर आपको जल्दी में निकालना है तो फिर आप ये गैस वाला ही आप ट्रिक यूज़ करो। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रिज में रखने वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। और मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।